और अब नाजरीन जरा खबर तो मंडी बाग प्रोग्राम हेस तुंदिस खिदमत हाजिर नाजरीन जरात तो अत सबस्त बाई शोबन वत दिन खतर आव हाल जिले बारामूल किस दूर दराज इलाकस ओडी मज किसान मेल तो जानकारी प्रोग्राम मुनद कर् अमिक किसान मेल इब्तदाई रस्म दाजम जरात चौधरी मोहम्मद इकबाल सबन अंजाम अत किसान मेलस मज कर जिले बारामूल सबस्त जमींदारों बड़ तबूलित शिरकत या दौरान इन महरों मुख्तलिफ मावनत वाजन स्कीम जानकारी फराहम कर अत किसान मेलस मुतलिक जरा खबर किस टीम सतान क्या वो डायरेक्टर एग्रीकल्चरन वलि बोजो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहां यहां उड़ी सब डिवीजन में जो जो फसलें पैदा होती हैं उसका मयारी बीज आप लोगों को दस्तियाब कराना मेरा फर्ज है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। जहां तक मक्की के बीज की रिक्वायरमेंट लोगों ने दी है उसके लिए मैंने पहले ही कुछ इकदाम किए हैं। पैडी का बीज आपके पास ऑलरेडी पहुंच गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन कुछ स्कीमें आती रहती हैं, ये मेरे लोग देते रहेंगे। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या उसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं, हम सब लोग मिलके हमने ये एक हदफ लिया हुआ है कि हमारे किसान की आमदनी 2022 में डबल होनी चाहिए। वो आमदनी डबल कैसे होगी उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जामिया मनसूबा बनाया है। उस जामिया मनसूबा को कैसे कामयाब करना है उसके लिए अलग अलग लेवल पर कमेटियां तश्कील दी हुई हैं। खाली अगर हम ये लेके चले कि हम सिर्फ मक्की की काश्त करके अपने किसान की आमदनी को डबल करें वो नहीं हो सकती। जहां सब चीजों का एक इंटेग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, उसके बीच में एनिमल हस्बेंड्री का यूनिट भी होना चाहिए, उसके पास हमारे मशरूम का यूनिट भी होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री के जो छोटे यूनिट्स हैं वो भी लगने चाहिए। मैं अपने महकमे से ये गुजारिश करूंगा कि आज आपके पास अवामी नुमाइंदगे चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूं, चाहे ब्लॉक लेवल पे हूं, चाहे पंचायत लेवल पे हूं या वार्ड लेवल पे हूं, वो चुन के इन लोगों के बीच में से आपके पास आए हैं। इनके साथ बैठिए, इलाका की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट्स बनाइए। अत किसान मेलस मज शरीक कैंसन जमींदारन सत कर कत तो तमो बे पन तसरत अत जानकारी प्रोग्राम मुतलिक यथ प आज उड़ी में एक किसान मेला शुरू हुआ है जिसमें डायरेक्टर साहब बीडीसी डीडीसी मेंबर बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक उड़ी ब्लॉक पलनबिला यहां हम पर हम सभी मतलब सरपंच हजरात व जमींदार वगैरह जितने भी थे जमा हुए और इनके मेले में शमूलियत की और काफी अवेयरनेस हुई इस मेले में और डायरेक्टर साहब ने हमें यकीन दानी कि उड़ी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ का अवेयरनेस का कैंप हर जगह हल्का वाइज करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों की आमदनी है जो दुगनी हो जाए। ये बहुत ही अच्छा रहा और इसमें खासकर जो खसूसी मेहमान आए यहाँ पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, जो चीजें उन्होंने हमें बताई और जो जानकारियां उन्होंने बताई हम उनके थैंक्स बोले, और जो चीजें नहीं थी हमने उनको अपनी डिमांड रखी हमें किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है। जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ना इसमें इसका ये फायदा सर कि जो नई स्कीम्स हैं हमें जो नई टेक्नोलॉजी हमें उसके बारे में पता नहीं है और वो चीजें सीखने को मिलती है और उन चीजों से हमें आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाजरीन मेव सनत सानी हज अहम सनत अत सनतस पोछर दिन खतर महकमे हॉर्टिकल्चर के तरफ बाग वाल बायन खतर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कस्मन हिंद प्रोग्राम मुनद कर् सिलसिलस मज आव रात महकमे हॉर्टिकल्चर के तरफ श्रीनगर जिले सबस्त बाग वाल वफद जिले शुपियनस कुन रवान कर् तमन मयारी तो ज्यादा खत ज्यादा मेव पैदावार हासिल करने खतर खसूसी जानकारी आई फराहम कर् यह वफद कौर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चरन जिले शुपियनस कुन रवान अत दौरस मुतलिक जरा खबर किस टीम सत क्या वो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चरन वलि बोजो। मार्च में हमारा ज्यादा रहता है कि हम एक्सपोजर विजिट करवाते हैं। हम इनको हिमाचल या उत्तराखंड दूसरी जगह पे तो कोविड की वजह से उधर अब नहीं हो पाया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे एडवांस्ड सेंटर हैं, हाईटेक ग्रीन हाउसेज हैं, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। तो हमने इस साल ये शुरुआत की है कि जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं
चाहे यहाँ सिथ का है, यूनिवर्सिटी का है, या हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस खलमू में है, बढ़िया एक प्रेस्टिजियस एक प्रोजेक्ट है, हमारा एडवांस सेंटर जो जैनपोरा में है, जहाँ तकरीबन लाखों में हमारे कोलोनर रूट स्टॉक हमने वहाँ मल्टीप्लीकेशन शुरुआत की है और अच्छी अच्छी वराइटीज वहाँ हमने की है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन बनाने की शुरुआत वहाँ बहुत बढ़िया लेवल पर हो रही है। तो उसका हमने यहाँ श्रीनगर से एक किसानों का एक बड़ा टीम वहाँ भेजा, रवाना किया। हम यही चाहते हैं कि ये लोग खुद देखें कि हमारे ऑपरेशंस कैसे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे आगे जा रहा है, हम जो कोलोना रूट स्टॉक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, प्लांट को कैसे लगाना है, इसको आगे ग्रोम कैसे करना है, या आगे जो उसका बड वुड या दूसरा उसका ग्राफ्टिंग का वो सिलसिला है वो कैसे करना है, प्लांट को कितना टाइम लगता है बनने में, और इस वक्त जो हमारा फोकस है वो हाई डेंसिटी पर है। तो इस हाई डेंसिटी का जो हम एक्सपोजर हम ग्रोवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, जमींदार चाहते हैं हम कि जमींदार भी ये अपनाएं, अपने जमीनों में नए नए बाग उगाएं और जो ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा यील्डिंग है उसको हम लेके आगे चले। आज हमने तकरीबन 50 फार्मर यहां पजीनारा श्रीनगर से रवाना किए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी बागवानी की तरफ कायल हो जाएं, शुरुआत करें। तो हम उनको इंशाल्लाह फ्यूचर में सॉयल टेस्टिंग या जो भी उनकी लैंड की वो क्रेडिबिलिटी है, वो टेस्टिंग है, एनालिसिस है, वो करेंगे, उसके बाद हम उनको पूरा सपोर्ट कर लेंगे। उनको हमने आज जैनपोरा भेज दिया जो हमारा एडवांस्ड सेंटर है जैनपोरा में और वहां हमारी एक नट नर्सरी भी है, उनका हम पूरा उनको एक्सपर्ट साथ देके पूरा उनको गाइड कर लेंगे, प्रॉपरली उनको दिखाएंगे कि ये ऑपरेशन कैसे करने। नाजरीन ज़राई यूनिवर्सिटी हंदे शोबाई एग्रोनॉमी ते इंडियन मेट्रोलॉजिकल महकम के तरफ छह जमींदारन हंदे बापत मौसम के हवाले ये इतला दिन यवा जे यात मौकस पेट गसे रूद या शीन पन के सूरतस बस तमाम लागदाम तन रबी फसलन हंदे खान मज आप के नकशन खतर खान इंतजाम करने युन ताकि आप गस्त यमन खान मज जमा मेव बागन मज ते गसे आप के नकशन खतर खा इंतजाम करने युन वक्त ब्रोही मुख्तलिफ किस्मन हिज खरीफ सब्जी निहाले तैयार करने खतर गसे वनकस पॉली हाउसन मज जमीन तैयार करित बेल वालने यिन लर अलत ते करेल बेल गसन मिर्च तैयार करित पॉली पाउचन मज वालने यिन जमीन खुशक आस्त के सूरतस मज गसन अलव वावन जेरी थवने यिन मौसम खुशगवार आस्त के सूरतस मज गसे यत मौकस पेट वावने आमतन कोंग मोंजन हिदन खान मज यूरिया खाद 1.8 किलोग्राम फी कनाल हिसाब छकने यिन तो हाई डेंसिटी कोंग मोंजन हिदन खान मज गसे ये खाद 2.3 किलोग्राम फी कनाल हिसाब छकने यिन जमीन खुशक आस्त के सूरतस मज गसन नई बाग लागने खतर मोहिरव हिंदेव मशवरों मुताबिक कुल वावने बापत दोब खनने यिन तो वावने बापत मुख्तलिफ किस्मन हिंद जल मेव कुल गसन महकमा हॉर्टिकल्चर या रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सरियों पेट हासिल कर दें। नाजरीन परीपुर मंडी मज कमन बावन तातायस मुख्तलिफ सब्जी कन्न वलिव त्रावो आख नजर ओलव वजिल आई 14 पेट 20 रुपये गंड नासिक आव 15 पेट 18 रुपये टमाटर आय 2 पेट 14 रुपये सब्ज बीन आय 40 पेट 15 रुपये मटर आव 15 पेट 30 रुपये फुलगोपी आय 14 पेट 20 रुपये अला आय 14 पेट 20 रुपये गाजर आय 20 पेट 17 रुपये अदरक आव 5 पेट 5000 रुपये रोहन आव 60 पेट 90 रुपये पालक आय 24 पेट 70 रुपये मंजहाक आव 15 पेट 14 रुपये मुज आय 9 पेट 10 रुपये गोगजा आय 13 पेट 15 रुपये तो वांगन आय 14 पेट 20 रुपये फी किलो हिसाब कन्न नाजरी परीपुर मंडी मज कमल बावन तात आय आज मुख्तलिफ मेव कन्न वलि त्रावो आख नजर केल 10 दर्जन 5 पेट 550 रुपये दश सब्ज 10 किलो 7 पेट 800 रुपये दश क्रीन 10 किलो 8 पेट 950 रुपये कीवी 30 दान 4 पेट 550 रुपये पाइनएपल राजा 10 दान 380 पेट 400 रुपये संगतर 1 हथ 48 दान 1900 पेट 2100 रुपये खरबूज 10 किलो 360 पेट 300 रुपये तो दान आय 10 किलो 1200 पेट 1300 रुपये हिसाब कन्न। नाजरीन अत सत वोत इसके प्रोग्राम वक् अंद इजाजत खुदा सवाल।